लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार बिहार महागठबंधन में सीट समझौता हो गया है। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट बंटवारे की घोषणा की। समझौते के मुताबिक आरजेडी राज्य की 26 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी। वहीं लेफ्ट के हिस्से में 5 सीटें आई हैं। सहमति के आधार पर महागठबंधन के जिन घटक दलों को जो सीटें निर्णय लिए गए लड़ने के लिए, उसकी सूची निम्न प्रकार है, मैं पढ़ दे रहा हूं। CPM खगड़िया, CPI बेगूसराय, CPI ML आरा काराकाट नालंदा। आइए जानते हैं कि इस सीट समझौते में आरजेडी ने सहयोगी दलों को कौन कौन सी सीटें दी हैं। कांग्रेस को बिहार में किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट मिली हैं। साथ ही पार्टी के खाते में समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज सीटें भी आई हैं। वहीं CPI ML आरा, काराकाट और नालंदा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उधर बेगूसराय पर CPI और खगड़िया लोकसभा सीट पर CPM चुनाव लड़ेगी। खास बात यह है कि पूर्णिया लोकसभा सीट कांग्रेस को नहीं मिल पाई है, जहां पार्टी पप्पू यादव को चुनाव लड़वाना चाहती थी। एक सीट हो, दो सीट हो, जब आप गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हैं तो कुछ सीटों पर ऐसी समस्या आती है, जो सहयोगी दलों से वो सीट दूसरे सहयोगी दलों को लेना पड़ता है और दूसरे सहयोगी दलों को अपने पहले सहयोगी दलों को देना पड़ता है। तो ये अदला बदली होता रहता है। कोई जिद अगर एक ही सीट को लेकर हो जाए तो फिर गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो सकता है। अब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल का हो, सब मिल बैठ करके तय कर लेंगे। और आदरणीय पप्पू यादव जी भी सब कुछ समझ रहे हैं कि 400 सीट पर जीतना है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो कांग्रेस ने 2019 में भी 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी केवल एक सीट पर जीत हासिल कर सकी। वहीं आरजेडी को भी एक सीट पर ही जीत हासिल हुई थी, जबकि NDA ने बिहार में 40 में से 39 सीटें जीती थीं। BJP को 17 और JDU को 16 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी सभी 6 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। चुनाव आज तक।